अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रहे होंगे। तो जिस तरह कि आपको पता है, तबने से आपको पता चल गया होगा, तो पाक आर्मी डी खान सेंटर के बारे में कुछ मालूमात आपको देता हूँ। साथ साथ में इंशाल्लाह आज इसकी वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन रिजल्ट कब शो हो रहा है, किस किस कैंडिडेट्स का शो होगा, किसका नहीं होगा, लो मेरिट का होगा नहीं होगा, इन तमाम के बारे में इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि बार बार आपके इस तरह अच्छे कंटेंट लाते रहें और आपको आगाही देते रहें। तो जी बात करते हैं डी खान सेंटर की। तो सर पहले बात हुई है कि डी खान सेंटर की अभी तक मेरिट लिस्ट शो नहीं हुई, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो शायद उनके साथ तो मेरे खुद के साथ रब्ता है, लेकिन किसी एक के साथ भी रब्ता नहीं हुआ। हाँ, जो सोल्जर हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है, जिन्होंने सोल्जर में अप्लाई किया था तो वो अपने नंबर ऑन रखें, इंशाल्लाह ये हफ्ते में तकरीबन आपके साथ शायद वो कांटेक्ट कर लें। तो सोल्जर में जिसने अप्लाई किया था, बाकी रह गया नर्सिंग, एविएशन, क्लर्क्स जो भी था मतलब, तो उनका अभी तक मेरे ख्याल से कुछ मेरिट लिस्ट वगैरह शो नहीं कर रहे। और ये जो सोल्जर हैं इनका भी मेरिट लिस्ट शो नहीं कर रहे, लेकिन इसका ये है। अच्छा, जिन लोगों ने सोल्जर में अप्लाई किया था, तो मुझे आज एक बंदे ने बताया है, इंशाल्लाह शायद उसकी बात सच हो, अल्लाह करें, कि मतलब सोल्जर को कॉल कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें जिन्होंने सोल्जर में अप्लाई किया था तो वो अपना नंबर ऑन रखें, अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया था रेफरेंस का और साथ में अल्टरनेट नंबर जो आपने दिया था, तो उनको आप ऑन रखें, एक को आप लाजमी ऑन रखा करें। बाकी मेरिट लिस्ट के हवाले से जो वो हैं कि मतलब ऑनलाइन रिजल्ट कब शो हो रहा है, तो ऑनलाइन रिजल्ट सर इस तरह है कि पहले तो बात है ऑनलाइन रिजल्ट का कुछ पता नहीं चलता, पिछली दफ़ा मई में आया था। तो ऑनलाइन रिजल्ट इस तरह है, तो जब भी ऑनलाइन रिजल्ट आपका आए, ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के बाद आपने फ़ौरन सेंटर जाना है और सेंटर में भी आपने अपने स्टेटस का पता करना है कि वाह कि सर मेरा नाम जो है लो मेरिट में है, मैं मेरिट पर पूरा उतरा नहीं हूँ या क्या वजह है। बाद वक्त इस तरह होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, ये बात तो नहीं है। तो बहरहाल ये है कि ये एक दो बंदों के साथ ये चीज़ हुई है। तो बहरहाल आप फिर फ़ौरन सेंटर जाएँ और सेंटर में आप पता करें कि यार मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो ऑनलाइन रिजल्ट जैसे आए तो इंशाल्लाह आपको मैं आगाही कर दूंगा, लेकिन अभी तक ऑनलाइन रिजल्ट भी शो नहीं हुआ किसी भी सेंटर का। बाकी मुल्तान का मैंने आपको कहा था कि मुल्तान के कॉल आना शुरू हो गए, मैसेज आना शुरू हो गए, मेडिकल उनका तकरीबन बस हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कि मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ चेकअप करते हैं और यूरिन टेस्ट किस तरह करते हैं, एक्सरे किस तरह करते हैं, अल्ट्रासाउंड, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ करते हैं। और कौन से लेबॉरेटरी से उन्होंने करवाने होते हैं, आपने जो डी खान बनाए तो उनको एक अच्छी सी लेबॉरेटरी बताऊँगा इंशाल्लाह, जो विदाउट पैसे से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अगर वहाँ पर आपके 10 लगते तो यहाँ पर इंशाल्लाह आपके 6-7 लगेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें।